हेलो दोस्तों, ये है टोयोटा की इटियोस और इसके अंदर हॉर्न का प्रॉब्लम है। हॉर्न के अंदर ये जैसे कि सेंटर में है ना, तो सेंटर में हॉर्न बज नहीं रहा है। देखिए, अब जैसे ये स्टेरिंग थोड़ा घुमाएंगे, देखो अभी बीच में कर दिया, सेंटर में हॉर्न नहीं बज रहा है। तो इसके अंदर क्लॉक स्प्रिंग आती है, स्पायरल केबल भी उसको बोलते हैं, उसका प्रॉब्लम रहता है। ये रहा उसका नया स्पाइरल केबल। तो इसके अंदर जो बेल्ट आती है, तो उसके बेल्ट के अंदर प्रॉब्लम आता है, उसकी वजह से ऑन कई कबार सेंटर में नहीं बजता है और वो टाइम पे बजता है। इसके लिए हमें ये पहले इस ये हॉर्न पैड को खोलना पड़ेगा। हॉर्न पैड खोलने के लिए ये देखिए, यहाँ पे ये लॉक है, ये लॉक को दबाना पड़ता है और दूसरी साइड भी ऐसा ही लॉक है। ये लॉक को दबाने से क्या, ये पूरा हॉर्न पैड बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये पूरा स्टीयरिंग व्हील निकालना पड़ेगा, ये स्टीयरिंग व्हील। ये स्टीयरिंग व्हील निकालना पड़ेगा, फिर आपको अभी बताते हैं। देखिए, एक ये लॉक और एक ये लॉक, दो लॉक खोल दिए। फिर उसके बाद ये सॉकेट, ये सॉकेट निकालने का, फिर यहाँ से सॉकेट, फिर ये 19 की नट खोलने के बाद ये पूरा स्टीयरिंग बार आ जाएगा। उसके बाद ये कवर और ये कवर खोल लेंगे, खोल के दिखाते हैं आपको। ये खोल डाली है पुरानी कॉयल, तो इसकी जगह पे नई लगा दें। ये रही नई कॉयल, ऐसे रख के ये इसके ऊपर के लॉक है, तो प्रेस कर देने की। ये भी रहा प्रेस, तीनों जगह पे हो गई। फिर इसके सॉकेट लगा देना, ये एक सॉकेट, ये और ये दूसरा। फिर इसके बाद ये कवर और ये कवर, ये लगाने के बाद आपको बता दें। ये कवर लग गए, अब इसका ये लॉक निकाल देंगे। ये लॉक निकल गया, फिर इसको सेंटर में करके ये स्टीयरिंग लगाते हैं, आपको बता दें। ये इसका स्टीयरिंग लग गया, फिर इसके बाद ये कपड़ा लग गया और इसका अर्थिंग लग गया। अब इसको ऐसे लगा के प्रेस कर देने का। ये देखिए, अब आपको बताते हैं ये मैंने गाड़ी चालू कर दी और ये अभी स्टीयरिंग स्टेट है। स्टेट में भी बज रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।